दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट को लेकर डीडीए की वेबसाइट पर अब तक लगभग 4000 लोग सुझाव दे चुके हैं। ड्राफ्ट को लेकर अपनी सलाह देने का मौका आपके पास अभी भी मौजूद है। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट पर आम लोग 23 अगस्त 2021 तक अपने सुझाव दे सकते हैं। डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2041 पर सुझाव और आपत्तियां देने की समय सीमा 1 महीने के लिए बढ़ा दी थी। पहले ये तारीख 23 जुलाई थी, लेकिन इसे 1 महीना बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया गया था। दरअसल कहा जा रहा था कि 9 जून को ड्राफ्ट वेबसाइट पर डालने से लेकर 23 जुलाई की डेडलाइन तक का वक्त सुझावों के लिए काफ़ी नहीं था। लोगों का मानना था कि ड्राफ्ट में बदलाव के लिए लोगों के सुझाव केवल 45 दिन में सही तरीके से हासिल नहीं किए जा सकते। कम वक्त दिए जाने का हवाला देकर डीडीए के नोटिफिकेशन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, इसीलिए यह मियाद 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। 9 जून 2021 को डीडीए ने मास्टर प्लान 2041 के ड्राफ्ट को जनता के सुझाव और आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर डाला था। डीडीए चाहता है कि अगर दिल्ली के लोग ड्राफ्ट में कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो डीडीए की वेबसाइट पर जाकर अपनी बात रखें। हाईकोर्ट से मांग की गई थी कि वो डीडीए को निर्देश दे कि सुझावों और आपत्तियों के लिए कम से कम 90 दिन दिए जाएं, क्योंकि दिल्ली का मास्टर प्लान हर किसी के जीवन को प्रभावित करेगा और दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। याचिका में यह भी कहा गया था कि 2041 तक दिल्ली की आबादी लगभग 3 करोड़ हो जाएगी। दिल्ली की समस्याओं को दूर करने के लिए मास्टर प्लान बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। हाईकोर्ट की बेंच ने इस याचिका के बाद डीडीए को नोटिस जारी किया था।